सो हेलो गाइस, आज हम कुछ नया सीखेंगे इस वीडियो में। आज हम देखेंगे कि हिल होल्ड कंट्रोल को कैसे यूज करें और उसका क्या प्रॉब्लम आता है और कैसे उसे फिक्स करें। तो अगर आपने सेकेंड हैंड कार खरीदी है महिंद्रा XUV500, तो एक बार हिल होल्ड कंट्रोल वर्क नहीं करता या आपको पता नहीं होता कि उसे यूज कैसे करें, और आपकी कार पुरानी हो चुकी है तो भी हिल होल्ड कंट्रोल का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे यूज करें हिल होल्ड कंट्रोल को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि W6 और W4 में हिल होल्ड कंट्रोल नहीं आता, और सिर्फ W8 में आता है। तो इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कार का जो वेरिएंट है वो क्या है, क्योंकि W4 और W6 में हिल होल्ड कंट्रोल नहीं आता। तो गाइस चलिए मैं आपको एक बार रोड जो है दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि हिल होल्ड कंट्रोल यूज करने के लिए किस तरह की रोड आपको मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं रोड एकदम से स्लैंट है मेरी, देखिए आप देख सकते हैं रोड एकदम से स्लैंट है। तो अब चलिए मैं बताता हूं आपको हिल होल्ड कंट्रोल को कैसे यूज करना है। गाइस हिल होल्ड कंट्रोल यूज करने के लिए आपको अपने गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए, मतलब इग्निशन जो है ऑन होनी चाहिए गाड़ी का, और गियर जो है रिवर्स भी हो सकता है, फर्स्ट गियर भी हो सकता है गियर। और हिल होल्ड कंट्रोल यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्लच को जो है फुली दबाना चाहिए क्लच को, और ब्रेक को है थोड़ा सा आपको इसे छोड़ना चाहिए, तब जाकर हिल होल्ड कंट्रोल यूज मतलब हिल होल्ड कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर आपके गाड़ी में हिल होल्ड कंट्रोल फिर भी वर्क नहीं कर रहा ऐसे करने पर भी, तो एक सोल्यूशन है उसके लिए। आपको क्या करना पड़ता है फिर से दिखाता हूँ आपको मैं। आपको क्या करना पड़ता है कि क्लच को फिर से दबाना पड़ेगा आपको फर्स्ट गियर में, और ब्रेक को भी थोड़ा सा ऐसे फोर्स से दबाएगा, मतलब ब्रेक को भी थोड़ा सा डिप्रेस करिएगा ऐसे क्लच की तरह, और फिर ब्रेक को छोड़ेगा। तब क्या होता है जब आप ऐसे करते हैं तब हिल होल्ड कंट्रोल जो है एकदम से वर्क करने लगता है आपके गाड़ी में। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको एक बार ऐसे करके देखना चाहिए। अगर ऐसे करने के बाद भी आपकी गाड़ी शुरू मतलब हिल होल्ड कंट्रोल वर्क नहीं कर रही, तो हो सकता है कोई मेजर प्रॉब्लम हो, इसलिए आपको शोरूम में जाना पड़ेगा, नहीं तो इससे काम चल जाता है। आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेक को जो है थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना पड़ता है और छोड़ना पड़ता है, उससे हिल होल्ड कंट्रोल जो है वर्क करने लगता है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मेरी गाड़ी में भी प्रॉब्लम था, अब प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है क्योंकि मैंने भी वो टेक्निक यूज किया था। तो चलिए मैं आपको एक बार हिल होल्ड कंट्रोल यूज करके दिखा देता हूँ। तो गाइस पहले इंजन को आपको स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है इंजन को मैंने स्टार्ट कर दिया है। गाड़ी जो है फर्स्ट गियर में, देखिए गाड़ी फर्स्ट गियर में है, और आप देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैंने ब्रेक जो है ब्रेक छोड़ूंगा मैं, देखिए मैंने ब्रेक को थोड़ा सा प्रेस किया है और ब्रेक को छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी 2-3 सेकंड के पीछे नहीं जाएगी और जान लेगी। फिर से दिखा देता हूँ आपको, ब्रेक को जो है थोड़ा सा हार्ड प्रेस कीजिए इससे और ब्रेक को छोड़ दीजिए, तो इससे क्या होता है देखिए गाड़ी 2-3 सेकंड के पीछे नहीं जाएगी, अब चलने लगेगी, तो हिल होल्ड कंट्रोल का जो प्रॉब्लम ऐसे करने से सॉल्व हो जाता है। सो गाइस इस ट्रिक से आपकी हिल होल्ड कंट्रोल का प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो आपको शोरूम लेकर जाना पड़ेगा आपकी गाड़ी को। अगर आप महिंद्रा XUV500 के सारे फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके मेरे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हैं, और मैं एक बिगिनर हूँ, कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नई वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।